चल बाय। आई छान के अच्छे नहीं होते। हेल्थ फाउंडेशन है ना ये। का व्लॉग स्टार्ट होता है ये। मत करना यार देसो दी। अब मैं आपको पहले ही बोल रहा था देसो दी, आपको मेरी कसम है कभी आपके सामने व्लॉग ही नहीं बनाऊंगा, देख लेना। आपका व्लॉगर कम हो जाएगा। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सदमा दे दिया तूने मुझे। और तू किसके लिए बोल रहा है? हैं? किसके लिए बोल रहा है? एक सिर्फ मामूली सा फ्री फायर के लिए? उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। किसके लिए बोल रहा है फिर? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज बहुत दिनों से मेरा जुकाम थोड़ा बहुत ठीक है और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हमारे वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम माल्टा नींबू खाने लायक। वैसे तो मैं माल्टी तोड़ने आई थी पर ये लगे बहुत ऊपर है, इसलिए मुझे तोड़ू या नहीं तोड़ू हो रही है। जो ऊपर ऊपर हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, उनको ही तोड़ती हूँ। और वो जो तो वहाँ पे बैठे हैं ना, मेरे इंतज़ार में बैठे हैं कि ये माल्टी तोड़ के लाएगी। तो कुछ तो मैंने तोड़ दी है, अभी अपनी मेहनत लगा रही है थोड़ा। क्यों मत तोड़? खाने के लिए तो है वो प्रकृति का स्पर्श। कल हमने इतने माल्टे खा दिए ना भाभी, वहाँ दमंती में छान के अच्छे नहीं होते। नमक ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा वैसा सूखा वाला पीस है ना। तो और अभी हो चुका है यहाँ बारिश का मौसम और छींटे पड़ रहे हैं। हमारे वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सबको हेल्थ की हेल्थ फाउंडेशन है ना, ये सरकार की तरफ से इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि हम लोग इस चीज का फायदा उठा पाते हैं। चाइल्डहुड नहीं है वो, सबके लिए ही है, बड़ों से। हाँ तो बुड्ढों से। और वहाँ पे शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट और आप अपना ब्लड ग्रुप भी पता करवा सकते हो। अब भोगा भाई साहब स्नोफॉल, अब हो गया ठंडा, लेकिन बारिश होने के बाद ठंडा कम हो जाएगा। तो आज हर्षित भाई जो है इस सुंदर नज़ारे को छोड़कर जा रहे हैं। हर्षित कैसा लग रहा है भाई? है? और इसको घर जाने की खुशी हो रही है इसलिए क्योंकि इसकी बुआ आ रही है इनके वहाँ, तो इसलिए बहुत खुश है। तो हर्षु इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि हर्षु के वहाँ दो तीन दोस्त लोग हैं जिसको वहीं खुश हो रहा है। तो हर्षु के वहाँ पे बुआ के बच्चे लोग आए हुए हैं तो इसलिए खुश हो रहा है कि और अभी हम लोग सुबह सुबह 6 बजे रास्ते लगे हुए हैं क्योंकि इसने मुझे उठते ही बोला कि भी चलो। तो हर्षु भाई नोट दिलाओ कितने मिल रहे हैं। नहीं नजर
बट ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हर्ष जा रहा है और मैं इसको और पीछे से चाची भी आ चुकी है और हमें अभी पता चला जूम नहीं होता क्या लहर का जाने का ब्लॉग बन रहा। हाँ मेरा अरे मेरे फोन का कैमरा ही वो हो गया है। मैंने कहा हर्ष के फोन में बना लेती हूँ, हर्ष मेरे को संडे भी नहीं दिया। तो हर्ष भाई आपको कैसा लग रहा है इस सुंदर से जगह को छोड़ के जाने पे? वो पता ही नहीं चला मेरे को, 10-15 दिन हो गए मेरे को पता ही नहीं चला कब दिन। क्योंकि हमारा भीमताल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कद्दू मेरा सुंदर यहाँ। तो हम लोग अभी आ चुके हैं खुटानी स्टेशन में और हर्षित को होती है वॉमिटिंग, तो इसलिए हम लोग इसके लिए कुछ खिड़की वाली विंडो वाली सीट ढूंढ रहे हैं। हाँ डालूँ, रुक जा डालूँ, चाहे जिसको आराम से डालना। तो विंडो वाली सीट है, पूछ इसको पकड़, मैं पूछती हूँ। चल बाय। आए गजब, और चाची और मैं अब जा रहे हैं घर क्योंकि तो अब हर्ष चले गया है। तो इस रास्ते से हर्ष चले गया है भवाली को,